भोपाल से खबर, जहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एमपी में केवल 32 नए मामले हैं और 446 एक्टिव केस बचे। संक्रमण दर 0.4% हो गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुसलमानों में अलगाव और भय की बात दिग्गी करते हैं। पहले मुलायम सिंह थे, अब कट मुल्ला दिग्विजय सिंह। संघ प्रमुख के बयान से सामाजिक समरसता आएगी। मुल्ला मुलायम से अब कट मुल्ला हो जाएंगे। कमलनाथ के नेमावर दौरे पर कहा कि गिद्ध राजनीति, खराब लाश देखकर राजनीति गलत है। जीवित लोगों के पास कोरोना काल में जाते तो बेहतर होता। नेमावर में अपराधी तत्काल पकड़े गए, पुलिस ने सख्त कार्रवाई का मुआवजा दिया है। वहीं सत्यनारायण कथा फिल्म पर बोले कि हिंदू देवी देवताओं पर सॉफ्ट टारगेट, निर्माता निर्देशक बंद करें। अल्पसंख्यकों के आराध्य को कभी टारगेट नहीं करते। डीजीपी को निर्देश दे रहा हूं कि परीक्षण कर कार्रवाई करेंगे। अलीराजपुर धार में महिला से पिटाई, पुलिस संघ को सोशल सेट्स पर जोड़ेंगे, अभिभावकों से अपील है। साथ ही नर्सों की हड़ताल को लेकर कमलनाथ के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नर्सों के आंदोलन के लिए घड़ियाली आंसू कमलनाथ बहा रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में जब महिला कर्मचारियों ने मुंडन कराया था, तब क्या कमलनाथ उनके साथ थे? नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष रीति पर होने के सवाल पर कहा कि इस मामले में विधि विभाग से सलाह लूंगा, सलाह लेने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि ये जो गिद्ध राजनीति है ना, लाश देखते ही मडराने लगना, जो कांग्रेस की संस्कृति है, मैं मानता हूं कि ये अच्छी संस्कृति नहीं है। कभी जीवित लोगों के बीच भी जाते हैं अस्पतालों में कोरोना के काल में, तो शायद अच्छा लगता, पर ये जा नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी राजनीति मौतों पर ही मडराने की है। इसे मैं गिद्ध संस्कृति मानता हूं। उन बहनों के साथ हैं कि नहीं जिनने मुंडन कराया था? जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे वो नहीं जाते, कोई बात नहीं थे, पर एक आध मंत्री को ही भेज देते अपने को। कोरोना के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आज 32 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर 39 लोग गए हैं। 466 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर कुल बचे हैं। हम लगातार 70,000 के आसपास पूरे प्रदेश में टेस्ट कर रहे हैं।